सरफेस का एक तिहाई पार्ट कवर करता है, यानी अगर आप अर्थ के सारे लैंड्स को आपस में मिला भी दें तो भी प्रशांत महासागर इस कंबाइंड लैंड से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर आपको इस सुनसान समुद्र के बीच में केवल एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए, जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक केवल और केवल पानी ही पानी हो, जहां ना जाने कितने ही अनजान खतरे हर पल आपका इंतजार कर रहे होंगे, सोचिए ऐसी सिचुएशन में आप पर क्या बीतेगी। हम में से 99% लोग तो इस बात को सोचकर ही गिव अप कर देंगे कि हजारों किलोमीटर फैले इस समुद्र से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी जीने की उम्मीद तलाश ही लेते हैं, जहां हम जैसे लोगों के सर्वाइवल के चांसेस 0% होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपने अदम्य साहस और मजबूत इच्छा शक्ति से प्रशांत महासागर जैसे विशाल समुद्र को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साल्वाडोर अल्वारंगा नाम का ये शख्स पेशे से मैक्सिको का काफी अनुभवी मछुआरा था, जो अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियां पकड़ने के लिए जाता रहता था। 17 नवंबर 2012 की सुबह अल्वारंगा हमेशा की तरह ही मछलियां पकड़ने के लिए अपनी नाव को तैयार कर रहा था, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, संभवतः जैसे अगले कुछ घंटों में ही भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए अल्वारंगा ने अपने एक दोस्त अजिकल कोर्डोबा के साथ मिलकर 30 घंटे की एक छोटी फिशिंग शिफ्ट पर जाने का निर्णय लिया, ताकि तूफान के खत्म होने तक वे इस शिफ्ट में पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। इसलिए उन्होंने इस ट्रिप के लिए एक 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी मोटर और मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अल्वारंगा और उसका दोस्त मैक्सिको के कोस्टा एजल विलेज से अपनी यात्रा पर रवाना हुए। अगले दिन सुबह 1 बजे तक वो तट से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे। इस जगह पहुंचकर उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को समुद्र के चारों तरफ फैला दिया और उसमें मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी अचानक समुद्र में खतरनाक लहरें उठने लगी। ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि जल्द ही इस इलाके में भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए वो दोनों बिना देर किए हुए जाल और दूसरी सभी चीजों को वहीं छोड़कर किनारे की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने अभी तक पकड़ी हुई सारी मछलियों और दूसरे सामान को भी नाव के बाहर फेंक दिया, ताकि तूफान में उनकी नाव हल्की बनी रहे और वो डूबने से बचे रहें। इस टाइम वे तट से मात्र 6 घंटों की दूरी पर थे। पूरी रात वो दोनों तूफान से लड़ते हुए तेज हवाओं के विपरीत अपनी पूरी स्पीड से तट की तरफ चले आ रहे थे। सुबह करीब 7 बजे वो तट से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर थे। इस समय उन्हें अपने गांव के पहाड़ों की चोटियां साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव में लगी मोटर एक झटके के साथ बंद हो गई। संभवतः लगातार 6 घंटों तक अपनी फुल कैपेसिटी में चलने के कारण हीट की वजह से मोटर में इंटरनल डैमेज हुआ था, लेकिन ये उनके लिए अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि उस टाइम उनके पास नाव में ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या पैडल मौजूद नहीं था जो मोटर के काम ना करने की सिचुएशन में उनको आगे बढ़ा सके। इसलिए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अब उनकी नाव तेज हवा की दिशा में तट से दूर जाने लगी। जमीन के इतने नजदीक आकर वापस उससे दूर जाना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सौभाग्यवश उनकी बोट में लगा हुआ रेडियो अभी भी काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बॉस से कॉन्टेक्ट किया और उसे अपनी पोजिशन के बारे में जानकारी दी। लेकिन जैसे ही उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए सर्चिंग टीम रवाना की, तो उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई, यानी अब उनकी लोकेशन को किसी भी हालात में ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उनके बॉस ने उनको हर पॉसिबल फिशिंग लोकेशन पर तलाशने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। फाइनली कुछ दिनों के बाद उनके बॉस ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। उधर तेज हवाओं के झोंकों के साथ कंटिन्यू 5 दिनों तक ट्रैवल करते हुए अल्वारंगा और उसका दोस्त अपने गाँव से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इस टाइम उनके चारों ओर दूर दूर तक केवल और केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा था। इवन इस विशालकाय समुद्र के आगे उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उसे किसी एयरशिप के द्वारा भी स्पॉट कर पाना इम्पॉसिबल था, यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहां पर किसी भी तरह की मदद का आना संभव ही नहीं था। उनके एक तरफ जमीन 450 किलोमीटर की दूरी पर थी, जहां वो चाहकर भी नहीं जा सकते थे, जबकि दूसरी तरफ जहां हवा उन्हें धकेले जा रही थी, वहां जमीन इतनी दूर थी कि वहां पहुंचते पहुंचते ही उन्हें सालों का वक्त लग जाता। लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें किसी भी तरह खुद को 1 साल तक जीवित रखना था। तूफान आने के बाद उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट और मछली पकड़ने का जाल वहीं छोड़ दिया था, इसलिए अब उनके पास मछली पकड़ने के लिए भी कोई उपकरण मौजूद नहीं था।
ऐसे में वो या तो अपनी बोट के आसपास मंडरा रहे छोटे पक्षियों को उछलकर पकड़ते या फिर पानी में हाथ डालकर किसी मछली को पकड़ने की कोशिश करते। इन्हीं मछलियों और पक्षियों को खाकर वो अपनी भूख मिटाते। वहीं पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया जो उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिली। जब कभी बारिश होती तो वो इन बोतलों को खोलकर रख देते और फिर अगली बारिश होने तक इस पानी को पीकर सर्वाइव करते। लेकिन जब कभी बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी तो मजबूरन उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कछुओं का ब्लड पीना पड़ता था जिन्हें वो समुद्र के अंदर हाथ डालकर ही पकड़ते थे। अगर कभी कछुओं का ब्लड भी नहीं मिल पाता था तो उन्हें अपना खुद का यूरिन भी पीना पड़ता था। इसी तरह सर्वाइव करते करते 4 महीने बीत चुके थे। लेकिन 4 मंथ के बाद एलवरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी क्योंकि लगातार 4 महीनों तक कच्चा मांस खाने और कंटिन्यू ब्लड और यूरिन के सेवन के कारण उसकी हालात अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने कुछ भी खाने या पीने से मना कर दिया, जिसके कारण कुछ दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अब एलवरंगा उस विशालकाय समुद्र में केवल अकेला बचा हुआ था जहाँ अभी भी दूर दूर तक कोई लैंड दिखाई नहीं दे रहा था। इस इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय एलवरंगा की हालत क्या रही होगी। 4 मंथ ट्रैवल करने के बाद भी एलवरंगा प्रशांत महासागर में इस जगह के आसपास ही पहुंच पाया था। ये एरिया प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जहां रेयरली ही कोई शिप पहुंच पाती है। लेकिन सौभाग्यवश जब एलवरंगा इस एरिया में ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त इस एरिया से होकर एक कार्गो शिप गुजरा। लेकिन ये एलवरंगा की बदकिस्मती ही थी कि उस शिप के क्रू ने उसे देखने के बावजूद भी नेगलेक्ट कर दिया। सोचिए उस वक्त एलवरंगा पर क्या बीती होगी जो पिछले 4 महीनों से किसी मदद का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एलवरंगा को यहाँ से आगे का सफर भी अब खुद ही तय करना था। इसलिए अगले 10 महीनों तक एलवरंगा इसी तरह धूप, छांव, तूफान और बारिश को सहते हुए आगे बढ़ता रहा। 14 महीनों के इस लंबे अंतराल में एलवरंगा ने अपनी छोटी सी नाव के द्वारा करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। फाइनली अपनी इस संघर्षपूर्ण यात्रा के 440वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ पक्षी उसके आसपास मंडराने लगे। इन संकेतों को देखकर एलवरंगा समझ गया था कि आसपास कहीं कोई लैंड मौजूद है। फाइनली कुछ देर बाद एलवरंगा को अपनी आंखों के सामने 14 महीनों के बाद जमीन दिखाई दी। ये मार्शल आइलैंड था जो प्रशांत महासागर के तट से करीब 11,000 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे ही एलवरंगा की नाव इस आइलैंड के नजदीक पहुंची तो उसने नाव से जंप किया और तैरते हुए इस आइलैंड पर पहुंचा। फाइनली कुछ देर उस आइलैंड पर भटकने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। जब एलवरंगा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो उस घर से एक इंसान बाहर निकल कर आया। इस समय एलवरंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो पूरे 1 साल के बाद किसी इंसान को अपने सामने देख पा रहा था। ये एलवरंगा की खुशकिस्मती ही थी कि उसकी नाव इस छोटे आइलैंड के रास्ते से होकर गुजरी, क्योंकि अगर एलवरंगा गलती से भी इस आइलैंड को मिस कर देता तो उसे 5,000 किलोमीटर आगे फिलीपींस में ही जमीन नसीब हो पाती जहां पहुंचने में उसे 240 दिन और लग जाते। लेकिन सौभाग्यवश वो 240 दिन पहले ही इस छोटे से आइलैंड पर लैंड कर पाने में कामयाब रहा। बाद में उसे इस आइलैंड से रेस्क्यू कर अपने गाँव लाया गया जहाँ आकर उसने अपनी इस जर्नी पर एक किताब लिखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस पर उसके दोस्त की फैमिली ने ये कहते हुए $1 मिलियन का मुकदमा लगा दिया कि उसने सरवाइव करने के लिए अपने दोस्त की लाश को खाया था। वेल